Assalamualaikum alaikum dear students welcome to the montessori complex high school my name is ambar asad and this is my presentation number 35 okay student today we are doing page number 53 54 and 55 on page number 53 there's a naming whole number it is an explanation and page number 54 and 55 it is the exercise of naming whole numbers student this is your page number 53 54 and 55 do this page in your copy in your book with pencil neatly. Okay, student, this is your page number 53, naming whole numbers. Before understanding this page, you have to know some things about the numbers. First, you have to know there are three types of forms of numbers. Number one, inverse, number two, standard form. एंड नंबर थ्री एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट्स इन्वर्ट्स तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं दैट इज़ क्लास वन में भी आपने किया है क्लास टू में भी किया है इनवर्ट्स का मतलब है इन नंबर्स की स्पेलिंग लिखना जैसे कि आप देख रहे हैं इस्टेंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म जैसे आप नंबर्स को देखते हैं जो आपको बताता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा बताता है कि वट वी राइट शोज़ इन नंबर्स जो भी हम लिख रहे हैं उनको नंबर्स में शो करने को इस तरह से नंबर्स में जो चीज़ शो हो है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं नाउ द थर्ड इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म्स में हमेशा जीरोस के साथ वैल्यूज़ को या डिजिट को शोज किया जाता है शोज जीरोस विद द डिजिट यानी जो वन टू थ्री है उनके साथ उनकी डिजिट uh, ज़ीरोज़ uh, को शो करते हैं दूसरा एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है वो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ नंबर्स फॉ मतलब इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडेड फॉर्म से हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ नंबर निकाल सकते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है यानी वो टू थाउजेंड है तो उसमें कितने जीरोज़ हैं हंड्रेड में कितने ज़ीरोज़ हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है टू नाइन फाइव फोर सबसे पहले अगर इसको आपने एक्सपेंड करना है यानी इसको एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि इसको आपने खोलना है एक्सपेंड कर देना है जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं इसका मतलब है कि आपने ज़ीरो इसमें ऐड करके इसको ओपन करना है नंबर को सबसे पहले आपने इसकी प्लेसिंग करनी है यूनिट टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड अब देखिए हम थाउजेंड से शुरू करते हैं वैसे तो हम हर चीज़ हमेशा यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, बट हम जब नंबर को एक्सपेंड करने लगते हैं तो हम हमेशा थाउजेंड से स्टार्ट करेंगे थाउजेंड वैल्यू को हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे टू हमने लिखा ये देखिए वैल्यू ऑफ़ टू क्या होगा यहाँ पे क्या है ये टू कौन सी प्लेस पर है थाउजेंड प्लेस पर तो यानी टू के साथ कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए मस्ट थ्री ज़ीरोज़ अब वैल्यू ऑफ़ नाइन क्या है नाइन हंड्रेड प्लेस पे तो नाइन के साथ कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए दो ज़ीरोज़ इसी तरह फाइव जो है वो टेन प्लेस पे है तो फाइव के साथ कितना ज़ीरो होना चाहिए वन एंड यूनिट प्लेस पे सिर्फ फोर है तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इसको एक्सपेंड कर देना तो नंबर को हमें ओपन कर देना है विद देयर ज़ीरोस चलिए एक्सरसाइज करते हैं दिस इज़ योर पेज नंबर फिफ्टी फोर नेमिंग होल नंबर्स राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म आपने हर नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है यानी विद द जीरोस आप उसको लिखेंगे उसकी वैल्यू साथ में आइडेंटिफाई करेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है सेवन फाइव ज़ीरो फोर पहला स्टेप आपने इस नंबर के साथ क्या करना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन सेवन फाइव ज़ीरो फोर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा सबसे पहले आपने इस नंबर की इस नंबर के ऊपर ही आपने स्मॉल छोटे छोटे पेंसिल से प्लेसिंग कर देनी है फ़ोर इज़ ऑन द यूनिट प्लेस ज़ीरो इज ऑन द टेन प्लेस फाइव इज ऑन द हंड्रेड प्लेस एंड सेवन इज़ ऑन द थाउजेंड प्लेस नाउ द एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी क्या होगी सेवन हमने थाउजेंड से स्टार्ट करना है यानी हम सबसे बड़े से हमेशा स्टार्ट करेंगे सेवन कौन सी प्लेस पे थाउजेंड प्लेस पे तो सेवन के साथ कितने जीरोज आएंगे थ्री ज़ीरोज़ फ़ाइव कौन सी प्लेस पे हंड्रेड प्लेस पे तो फाइव के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे टू ज़ीरोज़ अब टेन हमारे पास नहीं है ज़ीरो है तो या तो आप ज़ीरो लिख दें यहाँ पे और अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई मसल नहीं है डायरेक्ट फोर लिख दीजिए जो यूनिट प्लेस पर है बोथ आर राइट ये देखिए स्टूडेंट सेवन थाउजेंड प्लेस पे था तो हमने सेवन के साथ तीन जीरो लगा दिए फाइव हंड्रेड प्लेस पे तो हमने फाइव के साथ टू जीरोस लगाए इसको हमने एक्सपेंड कर दिया ओपन कर दिया खोल दिया बड़ा कर दिया है टेन प्लेस पे जीरो टेन प्लेस पे जीरो है तो आप उसको ना लिखें इट्स अप टू यू और अगर लिख देते हैं जैसे मैंने सेकेंड दिखाया तो दोनों करेक्ट होंगे या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए फोर टेन प्लेस पे है तो फोर अकेला ही लिखा जाएगा नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन Your second question is one three seven three seven. Okay. सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन की प्लेसिंग कर लिए Seven is on the unit place, three is on the ten place, seven is on the hundred place, three is on the thousand place and one is on the टेन थाउजेंड प्लेस नाउ जब हमने ये प्लेसिंग कर ली तो हमारा वर्क बहुत ईजी हो जाएगा चलिए इसको एक्सपेंड करें सबसे पहले हम सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे मैंने वन लिखा और वन के बाद कितनी प्लेस आती हैं कितने ज़ीरोज़ आते हैं फोर ज़ीरोज़ तो वन के साथ मैं कितने कि three three में, में कितने ज़ीरोज़ लगाऊंगी फोर ज़ीरोज़ नाउ द सेकेंड नंबर इज़ थ्री प्लस लगा के मैंने तीस थ्री लिखा थ्री मेरा थाउजेंड प्लेस पे थाउज़ेंड में कितने ज़ीरोज़ आते हैं तीन ज़ीरो नाउ सेवन इज बाई हंड्रेड प्लेस तो सेवन के साथ मैं कितने ज़ीरो लगाऊंगी दो ज़ीरो थ्री इज़ ऑन द टेन प्लेस टेंथ प्लेस पे हमेशा वन ज़ीरो लगता है एंड सेवन इज़ ऑन द यूनिट प्लेस यानी यूनिट प्लेस हमेशा अकेले विद नो ज़ीरो इसमें कोई ज़ीरो नहीं होता तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वन थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ फोर ज़ीरो टू सिक्स थ्री टू इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ योर पेज मैंने ये क्वेश्चन की लेंथ सबसे बड़ी है आपके पास हंड्रेड थाउजेंड तक इसकी प्लेसिंग है और ये मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ किया है कि सारे क्वेश्चन इससे छोटे ही हैं ओके यह इसी के बराबर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आपको इतना बड़ा नंबर दिया जाए तो आपने सबसे पहले इस नंबर से बिल्कुल नहीं घबराना और इसकी सबसे पहले प्लेसिंग कर लेनी है चलिए प्लेसिंग करते हैं टू इज़ ऑन द यूनिट प्लेस थ्री इज़ ऑन द ट प्लेस सिक्स इज़ ऑन द दंड्रेड प्लेस टू इज़ ऑन द थाउजेंड प्लेस जीरो इज़ ऑन द टेन थाउजेंड प्लेस एंड फोर इज़ ऑन दंड्रेड थाउजेंड प्लेस नाउ जब इसकी प्लेसिंग हो गई तो बड़े नंबर से स्टार्ट कीजिए बड़ा नंबर सबसे क्या है हंड्रेड थाउजेंड तो आपने फोर लिखना है उसमें कितने ज़ीरो लगाने हैं जितनी ये प्लेसिंग्स गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव नाउ हंड्रेड थाउजेंड में कितने जीरोज़ होते हैं फाइव ज़ीरोज़ टेन थाउजेंड ज़ीरो है तो हम अकेला ज़ीरो लिख देंगे इतने सारे ज़ीरो नहीं लिखेंगे इसका कोई मकसद नहीं है वन ज़ीरो इज़ इनफ ओके ना टू इज़ ऑन द थाउजेंड प्लेस थाउजेंड में आपको पता है कितने ज़ीरोज़ होते हैं थ्री ज़ीरोज़ होते हैं सिक्स इज़ ऑन द दंड्रेड प्लेस सिक्स में आपको मालूम है टू जीरो हंड्रेड में टू ज़ीरोज़ होते हैं तो ये सिक्स हंड्रेड हो जाएगा नॉट थ्री इज़ ऑन द टें प्लेस तो थ्री में एक ज़ीरो टेंथ तो प्लेस पर हमेशा एक ज़ीरो सात होता है और टू इज़ ऑन द यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस पे कोई जीरो नहीं होता इसलिए टू इज अलोन हेयर स्टूडेंट ये आपके पेज नंबर फिफ्टी फोर इज़ कम्प्लीटेड आपने ये पेज अपनी बुक में नीटली बहुत साफ सुथरा पेंसिल से करना है ओके आर नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर फिफ्टी फाइव दैट इज़ नेमिंग होल नंबर्स अब हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है राइट ईच नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आपने नॉर्मल नंबर्स में दिए लिखना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है विद द ज़ीरोज़ एंड यू हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स चलिए स्टार्ट करते हैं योर फोर्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस फोर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्योंकि इसमें जीरोज़ ऐड है अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ जो साइड में कॉलम गिवन है आपने यहाँ लिखना है चलिए स्टूडेंट मैंने ये यह यहाँ पे आपको करके दिखाया है फोर थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस फोर नाउ no, इसी तरह मैं यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड के साइड में जो स्पेस गिवन है वहाँ पे मैं कॉलम्स बना लूँगी फोर थाउजेंड यानी थाउजेंड प्लेस पे मैं किसे लिखूँगी फोर को सिक्स हंड्रेड यानी सिक्स प्लेस को मैं कहाँ लिखूँगी हंड्रेड प्लेस पर फिफ़्टी यानी टेन प्लेस है तो फाइव में टेन प्लेस भी लिखूँगी और अलोन विदाउट जीरो यूनिट प्लेस हो तो मैं इसको यूनिट प्लेस भी लिख दूँगी दिस इज़ माई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी फ़ोर ओके स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज फाइव हंड्रेड थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस वन अगेन आपने इन सब की प्लेसिंग करनी है आपके साइड में जो कॉलम गिवन है आपने छोटे छोटे उसमें कॉलम बना लेने हैं और ऊपर इनके ये प्लेसिंग कर देनी है चलिए स्टार्ट करते हैं हंड्रेड थाउजेंड है तो फाइव हंड्रेड थाउजेंड का कॉलम हमारा ये वाला है तो हम फाइव यहाँ लिख देंगे फोर्टी थाउजेंड यानी फोर्टी थाउजेंड यानी फोर्टी टेन थाउजेंड है ये तो हमने यहाँ पे टेन थाउजेंड में फोर लिखा थाउजेंड वाला खाना हमारा ज़ीरो रहेगा क्योंकि थाउजेंड की यहाँ पे कोई प्लेस ही नहीं गिवन है हंड्रेड सेवन हंड्रेड यानी हंड्रेड के कॉलम में हम सेवन लिखेंगे टेन प्लेस हमारे पास गिवन नहीं है तो जीरो आएगा और वन इज़ ऑन द यूनिट प्लेस ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें वर्ड्स फॉर्म में गिवन है तो नो no प्रॉब्लम चलिए स्टार्ट करते हैं फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड टू हंड्रेड सबसे पहले हमने इसी तरह कॉलम में ऊपर प्लेसिंग कर लेनी है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड अब हमारे पास क्या लिखा है ओके फोर इज इन दंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड तो हंड्रेड थाउजेंड में हम क्या लिखेंगे फोर नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिर्फ टू हंड्रेड है तो बीच में टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड सब कि जीरो लिखेंगे टू हंड्रेड यानी हंड्रेड प्लेस पर टू आएगा और आगे कुछ भी नहीं है तो टेन प्लेस पर भी जीरो आएगा और यूनिट प्लेस पर भी जीरो आएगा दिस इज़ आर आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन अगेन आपने इसी तरह से प्लेसिंग कर लेनी है कॉलम्स बना के यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड अब देखिए ट्वेंटी टू थाउजेंड टेन थाउजेंड हमारा टू है और टू ही हमारा थाउजेंड है ये मिलके बनेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड की जगह पर आएगा एन सिक्सटी वन यानी यूनिट और टेन को मिला के पढ़ा है दैट इज़ सिक्सटी वन हंड्रेड प्लेस पे हमारे कोई चीज़ नहीं है तो हम यहाँ पे डैश लगा देंगे स्टूडेंट ये पेज नंबर आपका कंप्लीट हुआ पेज नंबर फिफ्टी फाइव आपने ये अपनी बुक में कॉलम्स बना के बहुत नीटली करना है Your homework is do page number 54 and 55 in your maths book with pencil neatly. Thank you so much. We will meet in the next presentation. Till then, Allah